Yeah, we are live now. Yeah. What was that? City for him. No. Keeping it on? They said it's okay. You don't have to. Is my volume shut? No, no. That's quick. That people are coming in. I see the questions have already started. Yeah, yes. Yeah, welcome to all of you. We are just waiting for other people to join. So this session is going to live in a few moments. So we will wait for 5 minutes more. You can ask the question at the end of the session when we'll be having question answers, Bhairav. Then I can shift it on wedding industry. No problem. Bhairavi. Sorry. Bhairav on return is Bhairav. So. Bhairav, yeah. Yeah. Okay, so we are starting, sir, right now. Yeah. Yeah. Good evening to all. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए. आज के दिन का ये फोर्थ सेशन है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. और आज का ये सेशन खास इसलिए भी है क्योंकि हमारे साथ आज के जो गेस्ट जुड़े हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है और बहुत जिनका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इससे पहले कि मैं आपको उनके बारे में कुछ बताऊं, मैं थोड़ा सा अपने प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चाहूंगा. सो सलाम बॉम्बे फाउंडेशन का ये वर्चुअल जो आप एग्जीबिशन अभी देख रहे हैं और एग्जीबिशन का एक भाग आज का ये लाइव सेशन आप जो देख रहे हैं, इसके लिए सलाम बॉम्बे फाउंडेशन मीडिया अकेडमी की पिछले कई दिनों की मेहनत इसके ऊपर लगी है. कुल मीडिया अकेडमी की अगर बात हम लोग करेंगे तो दोस्तों हुनर हर किसी के पास होता है, बस सही समय पर उस हुनर की पहचान कराने वाला, उसको तराशने वाला और उसी हुनर के बल पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला एक ऐसा मौका या ऐसा मंच हमें मिलने की जरूरत होती है जिसके थ्रू हम अपनी बात रख सके या जिसके थ्रू हम अपने हुनर को तराश सके. तो सलाम बॉम्बे फाउंडेशन बस उसी हुनर को पहचान कर उसके विकास के लिए मंच उपलब्ध कराती है. मुंबई, पुणे, कोलकाता, जयपुर और बैंगलोर जैसे शहरों में जो स्लम्स में जो अपने बच्चे रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों का वो हर दिन सामना करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक जीवन कौशल्य और व्यावसायिक विकास करने के अवसर उनको नहीं मिल पाते, वही अवसर सलाम बॉम्बे फाउंडेशन अपने अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू बच्चों को प्रोवाइड करता है. तो ये जो मीडिया अकेडमी का प्रशिक्षण है कुल 3 वर्षों का प्रशिक्षण है जिसमें युवाओं को पत्रकारिता, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, प्रिंट प्रोडक्शन और डिजाइन, कम्युनिकेशन, ऐसे बहुत सारे जो स्किल्स है उसका ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है. यह उन्हें संभाव्य व्यवसाय के रूप में मीडिया क्षेत्र के जो अलग अलग करियर ऑप्शंस है उसके बारे में इनको जानकारी इस प्रोग्राम के थ्रू मिलती है. 2010 में शुरुआत हुई इस मीडिया अकेडमी से आज तक लगभग 1600 से अधिक छात्रों ने मीडिया से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों का प्रशिक्षण सक्सेसफुली कम्प्लीट किया है. सलाम बॉम्बे
फाउंडेशन का यह मानना है कि चाइल्ड इन अ स्कूल हैज अ फ्यूचर, और इसीलिए स्कूल के सहयोग से आज के दिन भी अगर हम देखेंगे तो कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो सभी जगह पे सभी इंस्टीट्यूट सभी संस्थाएं बंद है, ऐसे मुश्किल हालात में भी हमने पढ़ना और पढ़ाना जारी रखा है, जिसका आज ये जो आज का लाइव सेशन है उसका एक हिस्सा है। और जो हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं वो मुझे लगता है कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गिरीश सर। और गिरीश सर के बारे में मैं ये कहूंगा कि आपकी फोटो आपका जो फोटोग्राफिक करियर है लगभग 40 साल का आपका अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है। आपने यूएसए से अपनी कला और विज्ञान का अध्ययन किया है। आप इससे आप पहले ऐसे भारतीय फोटोग्राफर है जिन्होंने फैशन और एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में सफलतापूर्वक फ्रंट प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी शुरू की थी। आप सोनी इंडिया, एप्सॉन, मैन फोटो और गिटजो के लिए प्लैटिनम पार्टनर के लिए आप मेंटर, एम्बेसडर और एक्सपर्ट भी है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से निकाले जाने वाला जो टाइम जर्नल ऑफ फोटोग्राफी है उसके भी आप पूर्व अतिथि संपादक हैं। आप भारत के प्रमुख कला महाविद्यालयों में एज अ गेस्ट फैकल्टी करके आज भी कार्यरत है। आप आज भी बच्चों को मार्गदर्शन करते रहते हैं। वर्तमान में आप जो वर्ल्ड फेमस शारी एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल फोटोग्राफी और डिजिटल इमेजिंग जो आपकी एकेडमी है उसके आप डीन है, जो भारत में एकमात्र ऐसी सिल्वर जुबली फोटोग्राफी स्कूल है। यदि बात की जाए आपकी उपलब्धियों की तो आपको एशियन फोटोग्राफी का फोटोग्राफी दुनिया के 10 सबसे प्रभावी व्यक्तित्व का सम्मान आपको 3 बार मिल चुका है। महाराष्ट्र राज्य के गोल्डन जुबली के अवसर पर 2010 में आपको टाइम्स ऑफ इंडिया ने महापीपल ऑफ महाराष्ट्र से भी सम्मानित किया है। तो हम सबकी ये खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपका तहे दिल से मेरी ओर से सलाम बॉम्बे फाउंडेशन इस संस्था की तरफ से और आज अपने साथ जो दर्शक जुड़े हैं उन सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम वेलकम सर। गुड इवनिंग। और सर के साथ आज सर के साथ जो कन्वर्सेशन है उसको टेक ऑन करने के लिए उसको आगे ले जाने के लिए हमारे साथ हमारी जो स्टूडेंट है निर्मला जो जिसने शारी अकेडमी से सर के साथ 1 महीने का फोटोग्राफी का कोर्स भी किया है। तो निर्मला आज के इस पूरे प्रोग्राम को इस बातचीत को आगे लेके जाएगी तो मैं निर्मला को आमंत्रित करता हूँ। निर्मला कृपया आप इस बातचीत को आगे लेके जाएं। और इसके साथ जो अपने दर्शक है मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आज का ये जो फोटोग्राफी का सेशन है वो आपके लिए बहुत संस्मरणीय रहेगा। बहुत जानकारी आपको इससे मिलने ही वाली है। आपको फोटोग्राफी के जो करियर है उसके अलग अलग पहलुओं की जानकारी मिलेगी और इस जानकारी को सुनते समय आपके मन में कोई भी सवाल उठता है, कोई आपको लगता है कोई डाउट है, आप सर से बात करना चाहते हैं, उनसे आपके सवालों के जवाब सुनना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए जो क्वेश्चन एंड आंसर का जो ऑप्शन है आप उसमें अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपको कोई बात रखनी है तो आप चैट फंक्शन का यूज कर सकते हैं और चैट बॉक्स में आपकी जो कमेंट है या फिर आपकी राय है वो हमें वहां पे दे सकते हैं। सो निर्मला अभी आपको मैं ये पूरे कार्यक्रम का कारोबार सौंपता हूँ। प्लीज टेक ऑन। थैंक यू। थैंक यू संतोष सर। यस गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम निर्मला नामदेव कोकाटे है। सलाम बॉम्बे से मैं 5th स्टैंडर्ड से जुड़ी हूँ और उनके माध्यम से मैं मीडिया अकेडमी का प्रशिक्षण ले चुकी हूँ। और आज का जो सेशन है वो फोटोग्राफी पे ही है। तो सर सबसे पहले मैं आपको सवाल यही करूंगी कि आपने फोटोग्राफी एज अ करियर क्यों चुना? एज अ करियर क्यों चुना? सी इट्स लाइक दिस, एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड आंसर है। स्टार्टिंग में जब हमने डिसाइड किया कि मुझे आर्ट में जाना है, कमर्शियल आर्ट और समथिंग, बट अभी क्या था हमारे जमाने में पादम बदर के सामने सर झुका के बात करते थे, आज की जैसी पीढ़ी नहीं है कि जो चढ़ जाती है। तो माई फादर वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उनके दिमाग में नहीं गया कि तू कहे आर्टिस्ट बार्टिस्ट क्या बनेगा करके। तो आई कुड नॉट बिकम एन आर्टिस्ट, कमर्शियल आर्टिस्ट और समथिंग लाइक दैट, एंड आई वॉज फोर्स टू स्टडी कॉमर्स एंड लॉ एंड ऑल दैट स्टफ। बट While doing that, जब मैं कॉलेज में था, HR में था, देन उसके बाद गवर्नमेंट लॉ में था,
तो पिकनिक जाते ही ज्यादा मस्ती करते, क्योंकि मेरे दिमाग में और कुछ नहीं था, मजा मस्ती करना था, दैट वाज इट। तो आई हैव टू टेक पिक्चर्स ऑफ फ्रेंड्स। तो पिक्चर्स जब लेते वक्त, जब उनको पिक्चर्स आते थे, उनको बांटता था, तो उनको पसंद आता था, तो इतना तो मुझे मालूम था कि आर्टिस्ट हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट एंड इट विल वर्क फॉर मी। बट पिक्चर्स दिया तो एक लड़की वापस आई, बोले मुझे मुझे ऐसी 10 की 10 20 कॉपी और चाहिए। तो मैंने बोला तेरे को 15 कॉपीज 20, आई नो कि अगर मैं एक देता हूँ बिकॉज आई एम गिविंग एज अ गिफ्ट, बट किसी को 10 कॉपी 20 कॉपी देना, तो मेरे उस जमाने में हम लोग की अलाउंस इतनी बड़ी नहीं थी। सो आई वॉज वॉन्टिंग कि मैं क्या करूँगा, क्योंकि तो आज अनदर गर्ल हमारे ग्रुप में से, भाई इसको 10 15 फोटो क्यों चाहिए। तो उसने बताया कि उसके माँ बाप को फोटो अच्छे लगे हैं एंड दे वॉन्ट दोज पिक्चर टू यूज फॉर, मतलब लड़का ढूंढने के लिए वो फोटोग्राफ चाहिए करके। बोला ये हो, दैट इज इंटरेस्टिंग। तो देन आई सेड बढ़िया, ये मांग रही है, मैं कहाँ से दूँ भाई, तो मेरे तो महंगा रहता है। बोला कुछ नहीं, मार्केट में कम से कम 50 रुपये पर कॉपी मिलता है, तू भी चार्ज कर ले 50 रुपये कॉपी। तो मैंने सोचा 50 रुपये कौन देगा, बट देन आई आस्क्ड कि सॉरी बॉस, अगर चाहिए तो 50 रुपये कॉपी है, तो वो कितना चाहिए। तो बोला हमको 20 कॉपी चाहिए। तो मैंने बोला पहले मेरे को एडवांस दे, क्योंकि मैं बोला सोचा 20 कॉपी के लिए पैसा कहाँ था। बट आई टुक मनी फ्रॉम हर एंड एडवांस ऑफ सम 200 300 रुपीज, बनाया प्रिंट दे दे, नेक्स्ट डे लेके आया, दे दिया हाथ में, तो उन लोगों ने 1000 रुपया दे दिया। तो सडनली मुझे आइडिया आया दैट फोटोग्राफी ऑल्सो कैन बी अ करियर। दैट वॉज द माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम द थिंग। सो बींग अ क्रिएटिव पर्सन एंड बींग लिटिल फ्रस्ट्रेटेड कि मैं कॉमर्स कमर्शियल आर्ट में नहीं जा सका, तो फिर आई गॉट इन टू फोटोग्राफी। सर, मतलब आपका यही पहला कमर्शियल फोटो, मतलब फोटोग्राफी की शुरुआत यही से हुई आपकी? That सर, फोटोग्राफर मतलब होने के लिए उसके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए? is right. क्या-क्या स्किल्स होना चाहिए? आइडिया इज लाइक दैट। अ लॉट ऑफ पीपल से क्रिएटिविटी चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू मी सबके अंदर क्रिएटिविटी है। अगर हम सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और हम उसको डीपली एंटर करते हैं, उसमें स्टडी करते हैं, तो देन एनी बडी कैन मेक अ करियर इन एनी सब्जेक्ट दैट दे लाइक। सो सबसे पहला चीज यू रिक्वायर इज योर लाइकिंग, या डू यू लाइक टू मेक और क्रिएट इमेजेस, यू नो। तो इफ दैट लाइकिंग इज देयर, इफ यू फील कि नहीं बाहर जाऊं मैं फ्रेंड्स लोग का फोटो लू या फिर पेट्स का लू या ये यू नो व्हाट एवर, तो देन व्हाट हैपेंस इज इट शोज दैट देयर इज सर्टेन इंटरेस्ट। मोमेंट यू मेक इंटरेस्ट इनटू अ करियर, देन इट इज अ लाइफ टाइम हॉबी विच इज मेकिंग यू मनी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो रिक्वायरमेंट इज वेरी सिंपल, एक इंटरेस्ट होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए लाइफ में, और दूसरा चीज है लगन, वेरी हार्ड वर्क इन गेटिंग द नॉलेज, टेकिंग द एक्सपीरियंस ऑफ योर सीनियर्स योर टीचर्स, एंड रियली रियली एब्सॉर्बिंग एंड लेटिंग योर टीचर्स के साथ बैठ के तुम अब डिसाइड कर सकते हो कि फाइनली ये जो 30 40 जनरल ऑफ फोटोग्राफी है, उसमें से कौन सा जनर आपका स्ट्रांग पॉइंट है, और फिर उसके ऊपर काम करके आगे बढ़ना है। सर, मतलब समटाइम्स यू नो बहुत से बच्चे फोटोग्राफी को एक मतलब हॉबी मानते हैं, या फिर बहुत से ऐसे बच्चे कि उसको करियर मानते हैं। तो आप हमें बताओ कि हॉबी और करियर, मतलब इसमें क्या अंतर है, क्या फर्क है? वेल अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज रफली द आई थिंक पार्ट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, कि हॉबी जो है, मतलब हॉबी क्यों करते हैं लोग, बिकॉज दे वॉन्ट टू एंजॉय दैट, उनको पसंद है और वो उनको एंजॉय करना है। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर वो जो एंजॉय करता है वही उसका करियर बन जाता है, तो लाइफ टाइम उसके लिए वो एक एक क्या बोलते हैं, इट इज नॉट अ टास्क, अरे यार वापस आज सुबह जल्दी उठना है, काम पे जाना है, यू नो दैट इज नॉट देयर। वाई? बिकॉज ही इज हैप्पी, और शी इज हैप्पी बिकॉज वही उसका हॉबी, उसका करियर है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? The difference the two is the hobby which you do is for your own happiness basically. आपको self satisfaction है, आपको happiness है, मजा आता है, I like that part. Career में थोड़ा वो hobby से serious level पे जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, you have to shoot for a client. तो customer को पसंद आना चाहिए फोटोग्राफी आपका, मतलब आपका शूट किया हुआ पिक्चर
उनको काम आना चाहिए, उस पिक्चर से उसको धंधा मिलना चाहिए या उसको जो यूज है उसका वो उसको मिलना चाहिए. तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस. वन इज वेरी सीरियस, वन इज ऑल्सो सीरियस बट इट इज फॉर फन. द अदर वन द कस्टमर इज द किंग, यू हैव टू सी टू इट दैट द कस्टमर का काम होना चाहिए. बट फॉर दैट लेवल यू मेक योर हॉबी इन टू अ स्ट्रॉन्ग करियर. I'll tell you one thing. You'll be happy for life. Sir, photography करने के लिए कौन-कौन से courses मतलब available होते हैं? जैसे कि video editing वगैरह भी होता है. अगर किसी ने video editing किया है, तो क्या वो photography कर सकता है? या किसी ने खाली you know photography की है, अभी उसको आगे सीखना है video editing करना है, तो No, there are lots of course available, lots of courses available. And ऐसा नहीं है कि कुछ कोर्स किया है तो ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है. इन द सेंस के सी, जब हम लोग हमारा when we open up our admissions, तो our requirement is that person is 18 years old. We don't care if he's SSC pass or कौन सी science लिया था या HSC मतलब या commerce लिया था, कोई level, because none of this has anything to do with photography. You understand what I'm saying? So basically what happens is that anybody can take photography. Now the courses which are available in the market is from 2 days, 3 days, 4 day workshop. No? 3-4 din ka workshop hota hai. So wahan se leke hum like hamare yahan pe jo hai 2 saal ka course bhi hai jisme hum basic se leke unko commercial photographer banate hai, fashion photographer banate hai, usme cinematography bhi aa jati hai, videography bhi aa jati hai. Right, so all of that can come inside 2 years basically. We also have a special course jo abhi shuru ho raha hai, in fact just started, so people can think about it, is wedding photography ka jo course hai, jo 1 mahine ka course hai jo aapne kiya tha, and that particular course jo hai usi mein se jo आज बहुत नामचीन फोटोग्राफर है शादी के, रंजन जिंगाड़े हमारा अपना पुणे का, फिर अपना विवेक सिक्वेरिया ही इज फ्रॉम मैंगलोर, देन पूजा जोसेफ शी इज फ्रॉम डाउन साउथ मे बी आई थिंक केरला, सो आई डोंट नो रियली, बट ऑल ऑफ दिस पीपल जो इतना बड़ा बड़ा नाम है वो सब ईस्ट कोस्ट के स्टूडेंट्स है, यू नो. तो there are lots and lots of courses. This is one which is a concise one. Do saal mein aapko basic se leke videography, commercial photography, fashion photography, everything done. Sir, abhi course pura ho gaya, matlab 2 saal ka ho ya 5-6 mahine ka ho, course pura ho gaya, to aage career ke hisab se matlab kaise badh sakte hain? किसी किसी को बहुत से problems भी आते हैं, तो of course सबसे बड़ा problem आता है is that marketing, and marketing mein there are difficult hai, but at the same time hum log jab jo 2 saal ka karte hai usme unko sikhate hai marketing kaise karna hai, jo hamari baat sunta hai wo marketing se aage jata hai, jo nahi sunta wo gol gol ghumta hai. But the question is this, ab chota course karo bada course karo, ye sab sikhne ka hota hai, this is all learning. After learning comes internship मतलब go and practice with a professional photographer. एक बार आपने 10 टाइप की फोटोग्राफी सीख ली, उसमें से आपने डिसाइड किया कि ठीक है मुझे सिर्फ ज्वेलरी फोटोग्राफी करनी है, तो फिर अगर ज्वेलरी फोटोग्राफी करनी है तो जो मार्केट में ज्वेलरी फोटोग्राफी के लिए फेमस है उनके पास जाके उनके पास असिस्टेंटशिप अगर मिलती है तो वो करनी है बेसिकली, एंड उनके साथ रह के और 1-2 साल रह के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, क्लाइंट को कैसे हैंडल करना, वो कैसे हैंडल करता है, शूट कैसे हैंडल करता है, मॉडल को बुलाना, पहनाना, लाइटिंग करना, तो सब को उसमें एक्चुअल प्रैक्टिकली सीखना मिलता है बेसिकली. ये होने के बाद आपको आपका पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है. तो व्हेन यू मेक अ पोर्टफोलियो, द पोर्टफोलियो कैनॉट बी डिजिटल, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया में डाल दिया अरे ये है वो है मैं ये करता है, अभी सामने वाला जो देख रहा है उसका फोन का क्वालिटी क्या है, उसका स्क्रीन का क्वालिटी क्या है, वो कलर स्क्रीन का कलर्स किधर है, या फिर उसका कंप्यूटर पे ईमेल में आपने भेजा या वेबसाइट भी आपने किया तो उसका स्क्रीन कैसा है, द इट मे और मे नॉट, इट इनफैक्ट आपका अच्छा फोटो भी अंदर गंदा लगे. सो माई एम बिंग ओल्ड स्कूल बट इट इज वर्क फॉर माई स्टूडेंट्स, यू नो. अगर आप हमारे
जो हमारे वेबिनार्स है जो किए थे मीट द मास्टर क्राफ्टमैन करके, तो उसमें अब टिल नाउ 34 ऑफ माय एक्स स्टूडेंट्स का हमने काम रखा है और उनके साथ बात की है, सब ने एक ही चीज़ बोला है कि जो हमने आपने जो हमारे पास जो मरा मतलब मार मार के जो किताब पोर्टफोलियो की किताब बनवाई थी उसी से उनको बिजनेस में एंट्री मिली बेसिकली। सो व्हाट हैपेंस इज जब आप किसी को फोटोग्राफ भेजते मतलब एक कॉम कार्ड भेजा या फिर से यू सेंट अरे आप पर्सनली जाके उनको आपकी किताब बताते, देन व्हाट हैपेंस बेसिकली दैट दे आर सीइंग एक्चुअल कलर एक्चुअल स्टफ फीलिंग, अगर मुझे कैटलॉग बनाना तो ऐसे ही दिखेगा क्योंकि वो जो बैकलिट फ्रंटलिट का फर्क है, बैकलिट इज सीइंग इट इन स्क्रीन एंड फ्रंटलिट इज व्हेन यू सी प्रिंट, प्रिंट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मार्केटिंग टूल that you can have. सबसे अच्छा टूल मार्केटिंग के लिए प्रिंट है, यू नो, सो बेस्ट थिंग फॉर देम टू डू इज फर्स्ट दे शुड गो इनटू इंटर्नशिप, बट बिफोर गोइंग इनटू मार्केट जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया उसका फिर उसको डेप्थ में उतर के उसका दाया बाया ऊपर नीचे सब कुछ आना चाहिए, टोटल डिटेल आना चाहिए। सबके पास मोबाइल है, चाहे वो आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, सबके मोबाइल में हर एक मोबाइल में कैमरा है, तो कोई ये मतलब ये सोचता है कि ये इसकी वजह से फोटोग्राफी करियर पे मतलब प्रॉब्लम होता है, तो आप व्हाई वुड बी सी। मैंने अभी क्या किया, अभी आपको क्या बोला कि जो कमर्शियल का बिजनेस है, जो एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है, जो कॉर्पोरेट का बिजनेस है, ये सब प्रिंट्स में होता है, इट्स ऑल ऑन प्रिंट्स, बराबर है। अगर आप आईफोन से शूट किया या जो भी शूट किया उसमें जो डिटेल चाहिए जो क्वालिटी चाहिए वो नहीं है, ओके। सो व्हाट विल हैपन इज के नन ऑफ देम बाय द वे आर कनेक्टेड विद फ्लैश, यू नो, दे कंटिन्यूस लाइट पे भी मारते मारते करके, तो इतना छोटा सा लेंस, इतना छोटा सा सेंसर और तुमको बड़ा होल्डिंग करना है, तो दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर क्लाइंट, विच जो somebody is making diamonds और somebody making jewelry, उसका एक एक diamond का facet दिखना चाहिए, उसका हर नख दिखना चाहिए, तो वो सब अगर थी the detail photography जो बोलते हैं, तो वो जो है वो फोन से नहीं कर सकते, that's one part of it. Two, the kind of lenses, the kind of equipment, the kind of accessories and kind of lighting and things which are available जो हमको photography में मिलती है as a professional, तो उसका result आप आईफोन या एंड्रॉयड में लाना बहुत मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है, सोशल मीडिया वो चीज में चल जाता है बट नॉट इन द कमर्शियल फील्ड बेसिक। दूसरा क्या है कि जब एक क्लाइंट पैसा देता है, व्हेन अ क्लाइंट पेज यू मनी, द वेरी बेसिक डिफरेंस, दिस इज वेरी बेसिक डिफरेंस, जो फोन से शूट करता है उसको वो कितना पैसा देगा, क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो फोन पे मार सकता तो मैं भी फोन पे मार सकता, करना क्या है। और जो कमर्शियल फोटोग्राफर है वो फिर इसका दिन का इतना इतना जो चार्ज करता है 20, 30, 40, 50 डिपेंडिंग ऑन कितने साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं, उनका एक्सपर्टिस लेवल किधर है, यू नो, देयर आर पीपल हु कैन गो चार्जिंग अप टू 3 लाख वन इन पर डे, 3 लाख रुपए पर डे, तो उसके सोच लेके उसके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्या इक्विपमेंट होगा, क्या नॉलेज होगा, क्या एक्सपर्टीज होगी, वो एक कोई फोटो जो कैमरा क्या बोलते आईफोन लेके शूट कर ले उसके पास से नहीं निकलेगी। सर फोटोग्राफी करते वक्त क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, या फिर आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आप फोटोग्राफी करते वक्त आपको क्या क्या चैलेंजेस आए थे। व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस, ये चैलेंजेस इज लाइक दिस, समटाइम्स अगर ब्रीफिंग नहीं हुई या फिर अगर प्रॉपर रैकी नहीं किया हुआ या फिर इफ यू आर नॉट एबल टू क्या बोले यू नो प्लान करते कि ये हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा गिव वन वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर एक मॉडल का शूट करना था, बराबर है, और नॉर्मली गुड लाइटिंग इज वेरी अर्ली मॉर्निंग लाइटिंग, तो हम एक दिन पहले जाते हैं मड एलिमेंट शूट करने का था, एक दिन पहले गए रात को रुके वहां पे, सुबह हम लोग उधर 5 बजे 6 बजे लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, मेकअप वेकअप करके रेडी हो जाएंगे, जैसा सूर्योदय होता है वी स्टार्ट क्लिकिंग एंड टेक गुड पिक्चर्स, सॉफ्ट एंड नाइस गुड पिक्चर, बराबर से। अभी हम सब तैयार हो गए, लोकेशन पे पहुंच गए,
मॉडल पहुंच रहा है पहुंच रहा है पहुंच रहा है, 12 बजे पहुंचती, तो मतलब एट 12 o'clock द लाइट हैज ऑलरेडी गॉन, द बेस्ट लाइट ऑफ द डे हैज ऑलरेडी गॉन. सो देयर आर लॉट्स ऑफ इन इंडिया देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अनप्रोफेशनलिज्म, यू नो, जो जबान बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, नहीं करके लेके आते, तो फिर दैट इज अ प्रॉब्लम विच यू कैन फेस. बट दैट इज ऑन द कमर्शियल साइड, बिकॉज ऑफ विच द रीजन वाई द टॉप फोटोग्राफर्स को इतना पैसा मिलता है जो मार्केट में उससे सस्ते बहुत पड़े हैं, वो एक ही कारण है, ये गारंटी करते हैं, ये लोगों का गारंटी उनके साथ का जो टीम है ना वो राइट टाइम पे राइट एक्शन लेके वो शॉट लेके ही दे, दे विल गिव इट टू यू, यू अंडरस्टैंड. सो दिक्कत तो आती रहती है, लाइक बम्बई जो एक्चुअली पूरे भारत में वो प्रॉब्लम है, स्पेशली टू डू विद सिक्योरिटी, बिकॉज क्या होता है कि जो बीच में 2-3 बार जो हमले हो गए मुंबई पे एंड ऑल दैट थिंग, तो क्या है पहले हम लोग किधर भी शूट करते थे बॉम्बे में 91 पॉइंट से लेके किधर भी जू पे चालू हो गए किधर भी चालू हो गए, आज बिना परमिशन का शूटिंग अलाउड नहीं है, यू नो, एंड उसमें भी क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है. शूट का मतलब ऐसा नहीं है कि कमर्शियल शूट में भी अलग 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 स्टाइल के आता है, अभी आप किसी को इट इज वेरी सिंपल, इट वेरी स्मॉल शॉट एक लेना है मुझे और आप मुझे बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे शूट कर दो 75,000 रुपया भाड़ा. अभी उनका रूल कैसे है मालूम है, अगर आप हाथ से क्लिक करते तो आप एमेचर है, आपने ट्राइपॉड लगाया तो आप प्रोफेशनल हो गए. अभी क्या बोले उसको कि लाइट कम है इसलिए हम लोग ट्राइपॉड लगाते हैं, यू नो, बट दैट इज द काइंड ऑफ रूल्स. आई विश इट वॉज बेटर रेगुलेटेड, इसमें गवर्नमेंट का भी फॉल्ट नहीं है, बिकॉज उनको पता नहीं है कौन किसने कौन बाबू भाई ने लिखा है, you know, या कोई अंग्रेज लग के छोड़ के गया चालू है, तो इफ दे कैन कॉल अस हम लोग बैठ के वी कैन डिस्कस ऑल दिस स्टफ, इफ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इट वुड बी वेरी नाइस, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इक्विपमेंट लेके घूमना तो तुरंत पुलिस पकड़ दे क्या के लिए क्यों है किसको है. या सो सर एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, सो वो मैं अभी या निर्मला निर्मला बात करेंगे. ओके सर. हाँ सर. सर अभी फोटोग्राफी करियर करना है, मतलब अभी हाँ बहुत इच्छा तो है फोटोग्राफी में करियर करना है और रेडी भी है, लेकिन क्या है समटाइम्स यू नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हम मतलब अच्छे से अच्छे कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अब कुछ उसके लिए बता सकते हो? वेल दैट इज वन प्रॉब्लम फॉर श्योर, दैट आई एग्री दैट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर श्योर. मे बी वी कुड मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कैन इन्वेस्ट टुगेदर एंड क्रिएट अ किट. And you work in partnership, मतलब एक kind of what do you call like a small partnership. Yeah, contribute करके फिर और सब लोग उसमें they work with each other. And at the end of the day, then there is of course the sharing of the profits and all that thing. That's one way of doing it. Second way of doing it is of course talking to your parents, your relatives, your friends, and whatever. And see if you can get a soft loan or something like that, which I know is very difficult. I know that it is very difficult because not everybody has the this thing. But what I would suggest is this particular kind of thing, that you could start with a small, slightly cheaper, slightly smaller camera. Nirmala, it's not the equipment's better. So, क्या equipment लेके तो उसको क्या कर सकती है? The result which you will pick and deliver to the market. वो जब रिजल्ट मार्केट में जाता है तो फिर तो कुछ कोई पूछने वाला नहीं तो कौन सा कैमरा वापस. डू यू अंडरस्टैंड? सो इट स्टार्ट विद द बेसिक, यू डोंट हैव टू स्टार्ट विद द मोस्ट प्रोफेशनल कैमरा विच स्टार्ट्स एट 2 lakhs एंड 3 lakhs एंड ऑल दैट थिंग. देयर आर कैमरास अवेलेबल फॉर 25,000 टू 50,000 आल्सो. ओके सो स्टार्ट, यू स्टार्ट विद दैट. जैसे जैसे पैसे थोड़ा थोड़ा आने को लगते हैं वो वापरने का नहीं साइड में रखने का, सो दैट अस्ती अस्ते 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 अपना किट ही बढ़ता है, तो फिर एक कैमरा बदली करके दूसरा कैमरा लेना है, तो शायद एक लाइट ले लेना है, फिर एक दूसरी लाइट लेना, एंड दैट इज हाउ यू स्टार्ट मूविंग. यू नो द जोक ऑफ द सेंचुरी, आप आइए मेरे स्टूडियो में,
यू कम टू द स्कूल और आपने आपने देखा जबरदस्त कितना इक्विपमेंट क्या क्या स्टाफ है. बट निर्मल आई वॉज इन योर शूज ऑल्सो स्टार्टिंग में. स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट किया तो मेरे पास भी इक्विपमेंट नहीं था. यू नो सर, तो आई हैड अ फ्रेंड्स द फैमिली के उनके पास कैमरा था तो मैं बोरो किया था. तो बोरो करके मैंने स्टार्ट शूट किया और उसमें से जो पैसा आया तो उससे पहला एक कैमरा लिया. यू नो तभी 3,500 रुपया में मुझे तभी 3,500 हुआ तो 3,500 में मुझे निकॉन का FM2 एंड 35-105 का लेंस मिला तभी. उस जमाने में 3,500 भी बहुत महंगा था. मतलब इट वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव डील बेसिकली. तो दैट इज हाउ स्टार्टेड. फिर जैसे मैं काम चालू हुआ तो थोड़ा पैसा आया या फिर दूसरा लेंस लेके आया या थोड़ा पैसा आया दो लाइट लेके आया और पैसा आया थोड़ा ये लेके यू नो तो ऐसे करके 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 बढ़ा. तो दिस इज एग्जैक्टली मतलब आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड आई सॉल्व इट बाई यूजिंग अ बोरोड कैमरा. सो आई डोंट नो हाउ यू विल डू दैट. बोरो करेंगे छोटा कैमरा ले से स्टार्ट करेंगे. एक्चुअली सर हम लोग प्रोसेस में है. मतलब मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी कि मैं और मेरी दो और फ्रेंड्स हैं जो हम मतलब फोटोग्राफी में करियर करना चाहते हैं और बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ना उनके तरफ से ना मेरे तरफ से हम लोग ये कैमरे के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कर पा रहे. तो हम लोग ने वही डिसाइड किया कि हम तीनों मिलके कुछ करें, कैमरा ले और तीनों में शेयर करके फोटोग्राफी करें. आई टेल यू व्हाट, आई टेल यू व्हाट, आई कांट प्रॉमिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बट आई विल टॉक. मैं सोनी है निकॉन है उनसे उन लोगों से बात करता हूँ. अगर वहाँ से कुछ सपोर्ट आता है तो फिर आई विल ट्राई टू सी कि मैं आई कैन हेल्प यू आउट और समथिंग लाइक दैट यू नो. इफ नॉट दिस थिंग इफ इवन इफ इट्स सॉफ्ट लोन और समथिंग लाइक दैट बट वी विल ट्राई. हम लोग ट्राई कोशिश तो करेंगे. हमने इफ यू अगर आपको याद होगा हमने सलाम बॉम्बे के लिए भी करके दिया था. अगर आपको याद है तो यू नो व्हेन वी गॉट ऑल दोस कैमरास फॉर नियरली 50% ऑफ आई थिंक इफ आई रिमेम्बर राइट. तो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी. आई विल आल्सो टॉक टू योर सलाम बॉम्बे टीम की यार तुम लोग ने सिखा तो दिया मगर इनकी कभी खड़ा रहने की जरूरत है. साथ में खड़े रहेंगे क्यों फर्क पड़ता है. आई विल आल्सो स्टैंड बाय यू नॉट अ प्रॉब्लम. बट लाइक आई सेड अभी हम लोग ने शुरू किया है जो इंटर्नशिप का है. So that is another way you can continue your learning process. So that also you can talk with Santosh sir and everybody. You know? That could be okay. एक सर इंटरेस्टिंग सवाल ये आ रहा है कि जब मैंने जब आपका इंट्रोडक्शन दिया तो एक्चुअली मैंने बहुत छोटा इंट्रोडक्शन दिया जिसमें जब आपकी उपलब्धियों की बात आती है. ऑफकोर्स आपका जो 40 साल का जो सफर है वो बहुत ही इनक्रेडिबल है और सब आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं और इंस्पायर होते हैं. लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स भी कि आपने इतनी बड़ी उपलब्धियां जो हासिल की है लेकिन आपकी जब शुरुआत हुई तो शुरुआत हर किसी की पहले एक स्टेप से होती है. तो आपका एक जो पहली शुरुआत थी या फिर आपका पहला एक शूट था उसका सब्जेक्ट क्या था और आपने वो शूट कैसा किया, वो क्या आपका एक्सपीरियंस था वो पहले शूट का. फर्स्ट शूट आई डिड कमर्शियल, अगर आप बात करेंगे कमर्शियल शूट अगर तो इट वॉज शूटिंग फॉर कॉटेज इंडस्ट्रीज. तो दैट वॉज अनदर रीजन वाई आई ज्वाइन फोटोग्राफी ऑल्सो फॉर दैट मैटर. यू नो एक तो वो मैट्रिमोनियल फोटो में पैसे मिलने लगे. तो कॉलेज का बच्चे जब मेरे पास जो क्या बोला मेरा अलाउंस जो देते डेडी डेडी जो खर्चा पानी देते थे तो उस जमाने में महीने का 40 रुपये देते थे 50 रुपये देते थे यू नो और उसके अंदर ट्रैवलिंग खाना पीना सब कुछ आ जाता. तो तभी 50 रुपये कॉपी पे मिलना फॉर अ गाय वाज अ बिग 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 डिफरेंस. सो आई वेंट इनटू दैट. द फर्स्ट शूट आई डिड वाज आई टेल यू कुलाबा में कॉटेज इंडस्ट्रीज करके स्टोर था. तो वहाँ पे उनके पास लोग आते हैं फॉर बाइंग इक्विपमेंट्स और बाइंग द हैंडीक्राफ्ट ऑफ इंडिया. तो कभी कभी क्या होता है कि कोई फॉरेन का पार्टी आ जाता है और उनको एक साथ लाइक थिंक एग्जांपल कि ब्रास की कल अपनी एकदम टिपिकल इंडियन स्टाइल की एस्ट्रे है
और वो एसटीओ उसको 25,000 30,000 40,000 क्वांटिटी में चाहिए, बट उसके लिए पहले वो क्या करता था कि वो ही वांट थोड़ा पिक्चर्स चाहिए, वो 10-15-20 जो उसने सिलेक्ट किया उसको फोटोग्राफ लेना पड़ता है, उसको फोटोग्राफ देना पड़ता है, वो लेके अब्रॉड जाता है, फिर वहाँ से वो डायरेक्ट कॉटेज इंडस्ट्री को बोलता है भैया मुझे ये वाले पीस का 50,000 कॉपी चाहिए या 20,000 आइटम चाहिए। तो उसके लिए मेरा फर्स्ट असाइनमेंट मेरा वो था जिसके लिए मैं वहाँ पे शूट किया था बेसिकली। एंड तभी आई वॉज नॉट रियली एब्सोल्यूट प्रोफेशनल नहीं था मैं, मैं भी खुद सीख रहा था। तो वहाँ पे मैंने जब शूट किया तो मैं जब तभी पता नहीं था कि मुझे कुछ पैसे भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यू नो। तो वहाँ पे जब शूट करने के बाद जब मैंने उनको पूछा कि भैया मेरा पेमेंट का क्या होगा, तो मेरा ऊपर चेक रेडी है, तो पहले तो मेरा सटकी कि चेक कहाँ से आ गया, क्योंकि एज अ यंगस्टर 80s मतलब मैं 20 साल का हुआ, तो अपने पे तभी दिमाग नहीं था ना बैंक की वो उतना ही वी नेवर डू एनी वे। तो आई वेंट अप चेक इट आउट, तो मालूम पड़ा बाद में कि वो 1,500 का चेक था। तो देन सडनली आई फेल्ट दैट दिस इज अ गुड बिजनेस हैपनिंग। सो फर्स्ट जॉब वॉज देयर एंड देन आफ्टर दैट अंजलि किचन वेयर से लेके बहुत सारे मैंने काम किए, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ पोस्टर्स विच वी मेड फॉर कपड़ा बाजार, यू नो। सो वहाँ से शुरू हुआ, दैट इज हाउ इट स्टार्टेड बेसिकली। एंड देन बिकॉज अपनी क्वालिटी अच्छी थी शूटिंग दिस थिंग एंड आई मैनेज टू गो अब्रॉड एंड लर्न माई फोटोग्राफी इनकम, तो उसके बाद देन स्काई वॉज द लिमिट। एक बार सीख के आया तो फिर अपने तोड़ का फोटोग्राफर जो है वो गिन के 4-5 थे इंडिया में, तो हम लोग सब ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गए। थैंक यू सर। और एक ये भी क्वेश्चन आ रहा है अपने पास बार बार कि जैसे आपको, जैसे मैंने पहले ही बोला कि लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं और हर कोई चाहता है कि आप जैसे मेंटोर उनको मिले और आप जैसे जो एकेडमी है उसमें वो ट्रेनिंग ले, तो बहुत सारे लोग आपको इंस्पिरेशन मानते हैं। लेकिन अभी हमारे स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि आपका फोटोग्राफी फील्ड में आपका इंस्पिरेशन कौन था या कौन थे, आपने इंस्पिरेशन किससे ली? इन माई टाइम इंस्पिरेशन ऑफकोर्स तभी इतना इंटरनेट ये सब नहीं था कि हम लोग इतना रिसर्च करें या ब्राउज करें, सो जो भी हमारे सामने आता था मैगजीन्स या बुक्स या समथिंग, तो उस पर हम लोग फाइंड। बट ओरिजिनली माई फेवरेट फोटोग्राफर वॉज रिचर्ड एबडॉन, यू नो, इज अ वेरी वेरी क्लास वन फोटोग्राफर। एंड इन इंडिया आई हैड टू गुरुज who also taught me and they both were fantastic photographer. एक थे मित्र बेदी जो जो हेजलब्रेड जैसी कंपनी के लिए भी उनका पिक्चर्स उनकी हेजलब्रेड की कैलेंडर में यूज किया गया था, तो दैट लेवल ऑफ फोटोग्राफी। और दूसरे थे विलास भेंडे जो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु वर ट्रेंड फोटोग्राफर, एंड हम लोग उसको दादा बोलते थे। एंड यस ही वाज, दीज आर द टू पीपल हु इंस्पायर्ड अस एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। बट अब्रॉड आई हैड रिचर्ड एबडॉन रन एंड टॉकिंग अबाउट या ब्लश अपैरल एंड लॉट्स ऑफ फोटोग्राफर्स आर देयर, बट रिचर्ड या ही इज द मेन गाय दैट आई रियली फ्रीक्ड ऑन बेसिकली। या थैंक यू सर। और सर एक ये बात भी है कि फोटोग्राफी में जैसे अभी अपने किसी क्वेश्चन में ये चीज कवर नहीं हुई है कि फोटोग्राफी में बहुत सारे अलग अलग प्रकार है, बहुत सारे टाइप्स है, हर कोई अपना एक स्पेशलाइजेशन करता है उसमें। बट अगर हम लोग देखेंगे अभी एक जैसे सलाम बॉम्बे फाउंडेशन जिनके साथ काम करता है, वैसे बहुत सारे सलाम बॉम्बे जिनके साथ काम भी नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों की ऐसी तादाद है या ऐसी अकाउंट ज्यादा है जो बहुत ही एक सामान्य परिवार से आते हैं और इकोनॉमिकली वैसे भी वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। Yes. उनके लिए अगर फोटोग्राफी इंडस्ट्री में कहीं तो भी एंटर होना है या करियर करना है, तो उस समय में कौन सी वो फील्ड है या वो कौन सी वो टाइप है जिससे वो इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे उनको जल्दी फोटोग्राफी में एंट्री मिल सकती है? Somebody like Nirmala is a ladies, okay? Yeah. One of the things, you know, जब हम लालबाग परल में थोड़ा घूमते हैं
तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो हर दूसरा तीसरा बिल्डिंग में बोर्ड लगा है ब्यूटी पार्लर। अगर ध्यान से, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो दूसरे, करेक्ट करेक्ट सर, which basically means also one thing, there are a lot of girls who gone into beauty parlor thing, and they also, there are a lot of people who are now going to beauty parlors also, matlab beauty parlor mein jaate hain, that means there are people now who are looking ke I want to look good, right? Now one of the biggest businesses in the country is portrait. Portraits, agar aapko acha photo chahiye kahan jayenge? अपने आप फोटोग्राफर के पास जाएंगे या यू गो टू अ पासपोर्ट वाला, पासपोर्ट वाला आपका आज तक जो भी खींचा है फोटो आपका, आपको पसंद कभी आया? नहीं, नॉट रियली। तो क्या करता ना वो, उसके लिए पासपोर्ट इज अ 25 रुपए का धंधा, बहुत दो लाइट लेके ठोक देता है और जो भी आया आया, हंसा नहीं हंसा, आंख बंद, यू डोंट गिव अ डैम बेसिकली। तो दैट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज आज अगर आप किसी को भी पूछे, अभी आज अपने पास यहाँ पे आई थिंक 92 और समथिंग पीपल आ जाए, उनको पूछेंगे आप कि अगर आपने जो फोटो खींचे कोई भी किधर भी जाके वो पासपोर्ट वाले के पास, आपको पसंद आया या ना पसंद आया? अगर आंसर ना है तो निर्मला दैट इज योर बिगेस्ट बिजनेस, यू अंडरस्टैंड? स्टार्ट द स्मॉल पोर्ट्रेट स्टूडियो इन योर बालकनी, इन अ स्मॉल प्लेस इन योर हाउस, no, for two, three of you, pick up a small place and do it. But that is the thing. I know कि मैंने आपको सिखाया हुआ है how to make them look good. Yes. You remember? Yeah? Yes. You can make them look good, your business will start fat action. So you don't have to worry about अरे मैं commercial करेगा, commercial बाद में, पहले इससे start करो, बराबर है? You said you like dressing up small babies and all the thing. Do you know how big the business of shooting babies are? No idea, sir. There are people who are charging 30,000 to 1 lakh rupees per baby shoot. Correct, correct. Yeah? So why can't you charge 2,000 and 3,000 in your area and go start in that way? Do you understand? But for that, you need to make a portfolio. Before you make a portfolio, I would suggest you get in touch. Matlab, you get in touch with ma'am. So, aapko thodi website batayenge. Dekhi, yahan dekh, is tarah ka kaam apne ko karna. मंगता है, अगर आपको रिकैप करना है तो उसके साथ बात करो, आपका पूरा टीम को लेके आओ, एक दिन में वो रिकैप करके छोड़ देगी, यू नो हाउ टू डू इट, ये तो देख मैं एक दिन में सब कुछ घुमा के आपको कर देगी, शी विल मेक यू एक्सपर्ट इन दैट, यू अंडरस्टैंड? तो स्टार्ट विद पीपल फोटोग्राफी, इट्स अ बिग 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 प्रॉब्लम, क्योंकि लड़की है या लड़का हो उनको फोटोग्राफी क्यों चाहिए? पासपोर्ट आईडी के लिए चाहिए, बराबर है? शादी के लिए चाहिए, जॉब के लिए चाहिए, जॉब में भी आजकल पहले पिक्चर लगता है कि नहीं लगता है? अभी वो पिक्चर में तुम लपूस लगेगा तो वो देखने का वो बोलेगा अरे ये लपूस को कौन लेगा, बट इफ यू टेकन अ प्रॉपर पिक्चर चांस ऑफ गेटिंग अ जॉब इज आल्सो देयर। सो इट ऑल स्टार्ट्स विद किसी को कैसे खूबसूरत बनाए, इट्स सिंपल एज वो पिक्चर देखने के बाद उसके मुंह पे मुस्कान आनी चाहिए, क्या आई एम लुकिंग नाइस, यू अंडरस्टैंड? सो ये एक सेक्टर है जिससे आप इमीडिएट स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट वेरी वेरी क्विकली, और वहां पे इतना बड़ा बड़ा कुछ एनलार्जमेंट की जरूरत नहीं होती है, मैक्सिमम 8x10 8x12, तो आई थिंक यू कैन स्टार्ट विद योर बेसिक कैमरा आल्सो एंड स्टार्ट, या इतना हैवी इन्वेस्टमेंट भी नहीं रहेगा। करेक्ट सर, करेक्ट, या सो सर और ये भी हमें जानने में दिलचस्पी होगी कि अभी फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन में देर आर सो मेनी वेल नोन फोटोग्राफर्स, जैसे आपका तो ऑलरेडी इतना नाम है, उसके अलावा भी अगर ये आज की जो जनरेशन है इनको, या जो स्टूडेंट्स है जो इन लर्निंग प्रोसेस में है, इनको और फोटोग्राफी के अलग अलग एस्पेक्ट को समझना है, तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे 2-3 ऐसे वो फोटोग्राफर है जिनका काम बच्चों ने जरूर देखना चाहिए जिससे वो इंस्पायर हो सकते हैं? Actually, there are lots of photographers who are doing very good job, जो अच्छा काम कर रहे हैं। Question यहाँ पे ये है कि it depends कि उनको कौन से genre का पसंद है, क्योंकि wildlife अलग होता है, fashion अलग होता है, commercial photographer अलग होता है, जो बंदा सिर्फ गाड़ी शूट करता है cars and motorbike तो वो अलग होता है, कोई तो सिर्फ jewelry शूट करता है, कोई खाली food photography शूट करता है, you know? तो there are different genres। पहला चीज उनको करना है कि पहले उनको ना जो
इस सब में से कौन सा पसंदीदा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, उसके बाद उसके ऊपर लेट देम गो ऑन द नेट एंड फाइंड, तो जिसका काम उनको पसंद है उसको वो लोग बुक मार्क करें और उसको फिर फॉलो करना चालू करें एज फार एज पॉसिबल, नॉट ओनली फॉरेन के फोटोग्राफर भी उसमें बहुत सारे हैं जो अच्छा काम करते हैं, एंड यू कैन यू नो लर्न फ्रॉम द टेक्निक्स, एंड एटलीस्ट एक प्रेरणा मिलती है अपने को कि यार ये इसने किया, मेरे को भी ऐसे कुछ करना है। और सर मेरे एंड से मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन के लिए, देन वी विल मूव ऑन टू ऑडियंस क्वेश्चन। सो सर वन गर्ल कॉल भैरवी गड्डा, आई थिंक शी इज गोना बीट मी अप इफ आई एम नॉट गोइंग टू आस्क आंसर हर क्वेश्चन। ओके सर, नहीं बाद में आपका खत्म। यस या आफ्टर दिस क्वेश्चन। सो सर एक्चुअल में जैसे बहुत सारे लोगों ने अभी ये टर्म्स बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है कि फोटो ब्लॉगिंग करते हैं, फोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, फोटो ब्लॉगिंग एक नया एक एस्पेक्ट है फोटोग्राफी का जो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ रहा है ऐसे सुनते हैं। सो थोड़ा सा फोटो ब्लॉगिंग क्या होती है और वो उसका मतलब डिमांड कैसा है उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज आप हमें गाइड कीजिए। डिमांड इज डिपेंडिंग आप कितना डेप्थ में वो सब्जेक्ट जानते हैं उसको, तो फोटो ब्लॉग बच्चा इज टॉकिंग ओके। सो फोटो ब्लॉगिंग क्या होता है कि अगर एक बंदा से फूडी है, उसको खाना पसंद है और वो 10 जगह पे जाके खाना खाता है, गली में भी खाता है और बड़े होटल में भी खाता है, तो वो क्या करता है, जाता है फोटोग्राफ लेता है जो खाने हैं उसका, फोटोग्राफ लिखता है उसकी बारे में कुछ लिखता है और फिर वो डालता है अपना इंस्टाग्राम में या फेसबुक पे या व्हाट्सएप, बराबर है। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग फूड लवर्स है तो उनके पीछे पड़ जाएगा, वो बोलेगा अगर वो बोलते हैं कि ये सही जगह है मुझे पसंद आया तो शायद, मतलब ये होने के लिए टाइम लगता है फॉर यू टू गेट सीरियस लेवल के पीपल विल स्टार्ट टेक लुकिंग एट यू सीरियसली, तो उसके पहले आपको बहुत गधा मजूरी करना पड़ता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट मीन कि आप उस अगर फूड ब्लॉगर बनना चाहते तो फूड का आप एक्सपर्ट होना चाहिए, यू नीड टू बी अ बाप ऑफ फूड फोटोग्राफी, फूड एंड फूड फोटोग्राफी, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। तो वैसे ही फिर ओपनिंग आता है, कोई कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाता है, कोई कपड़े पे जाता है, कोई शूज पे जाता है, तो देन दे बिकम एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड दैट इज वॉट दे विल ब्लॉग ऑन, एंड बिकॉज ऑफ विच वॉट हैपन्स इज के मनी विल कम इज वॉट विल हैपन, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपर्ट हूँ और मैं हर रोज नया नया चीज बात करता हूँ, मैं कंपेयर करता हूँ ये करता हूँ, तो क्या होएगा, तो जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है आईफोन से लेके सब फिलिप विलिप सब, तो वो लोग बाकायदा अपने पास उनका सामान भेजेंगे, बोलेंगे आप इस पर स्टडी करो और आप उसको मार्केट में डालो और उसके लिए आपको हम लोग इतना पैसा देंगे, दैट इज हाउ यू विल मेक मनी, you understand what I'm saying? So yes, different it is, just because the most of it is done on phone or the vlogging cameras, you know, chota wala, to usme photography itni badi nahi hai, usme knowledge of a subject zyada hai. ओके सो ऑडियंस में से जो क्वेश्चन आए हैं, सो मुझे लगता है भैरव जी है जिन्होंने बार बार हमें अलग अलग क्वेश्चंस किए हैं, एक भैरव भी है, भैरव जी ने भैरव ही कुछ क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। जैसे उन्होंने लिखा है कि जो भैरव जी है उन्होंने लिखा है कि वो वेडिंग फोटोग्राफर है, बट उनका एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो पेरेंट्स होते हैं अपने, इनका क्वेश्चन बहुत लोगों को रिलेट भी करेगा कि पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स मोस्टली जो एक हम लोग बोलते हैं एक बहुत ही सामान्य फैमिली है या उससे, तो उनको जो रूटीन जो अपने करियर ऑप्शंस होते हैं, जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये एकेडमिकली बहुत रूटीन करियर ऑप्शंस है जो ऑलमोस्ट सभी को पता है। सो उनका कहना ये है कि अब पेरेंट जो है उनको फोटोग्राफी में जो करियर है उसके लिए उनको कन्विंस करना है, तो आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि उनको इस चीज का इम्पोर्टेंस पता नहीं होता है। मुझे भी वही प्रॉब्लम था ना 40 साल पहले, बिकॉज मेरे डैडी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो वो सोच रहे थे कि मैं भी चार्टर्ड अकाउंट बनना चाहिए, तो मुझे इंटरेस्ट था कमर्शियल आर्ट में, तो मेरे काफ़ी
साल वेस्ट गए बिकॉज वो मानने को तैयार नहीं था. फाइनली गिव अप ऑन मी, जा तेरे को जो मांगता है कर, उसके बाद में छूटा. यू अंडरस्टैंड? तो दैट इज अ प्रॉब्लम इवन द यंगर जनरेशन टूडे विल फेस, आज भी उन लोग फेस करते हैं. तो उसमें सिंपल सा चीज है कि पेरेंट्स को साथ जो अगर मुझे बात करना है तो मेरे उनके दिमाग में एक ही चीज डालना है कि जो बच्चे को पसंद है वो उसको करने दो, क्योंकि तो अगर वो करता है जो उसे पसंद है तो उसमें वो सक्सेसफुल बनेगा. अगर आप उसको जबरदस्ती कुछ और चीज पे डालेगा तो उसका वो कर भी लेवे मगर दिल खुश नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ 4 साल 5 साल में वो टूटेगा वहां से. ही इज गोइंग टू ब्रेक डाउन, ही और शी विल ब्रेक डाउन फ्रॉम द बिजनेस. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड टुडे साइकोलॉजी, आज के बच्चे का साइकोलॉजी है, उनका ध्यान कुछ चीज पे अगर अटका ना तो आपको एक्सप्लोर करना है, भाई तू उसमें जा. क्योंकि अगर आप वापस लेफ्ट राइट जाने जाएगा तो बच्चा टूट जाएगा, वो फिर क्या होएगा, रास्ते में जाके घूमेगा क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि आपने जबरदस्ती किस्में डाला और उसमें जाके उसको इंटरेस्ट ही नहीं, तो टाइम पास करेगा वहां जाके, यू नो. तो उससे तो उसका करियर बनने वाला नहीं है. वन पार्ट ऑफ इट. सेकेंड पार्ट ऑफ इट यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड, दे हैव टू अंडरस्टैंड लाइक एनी करियर, एनी प्रोफेशनल करियर, डॉक्टर बोले, लॉयर बोले, फोटोग्राफी इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल करियर बेसिकली. या एंड आई हैव, हम लोग का एक्सपीरियंस है कि हमारे सबसे छोटे छोटे स्टूडेंट्स भी हैं, जब उनको असाइनमेंट लेते हैं, जब सीरियसली करते हैं, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव. वन विच विल स्टडी एंड विल स्टिल नॉट मूव इन, देर विल सम हु विल बी लाइक रात, सुबह रात दिन ड्रीम्स में भी वही सोचते, तो वो मूव इन करते, तो वो स्टार्ट करते हैं. वो क्या करेगा कि दिन के 200 रुपये 500 रुपये 400 रुपये से चालू करेंगे और फिर आस्ते 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 जैसे काम बढ़ता है तो बढ़ाएंगे. जोड़ा सर, और 5,000 रुपीज, दिन का 5,000 रुपीज बनाना इज नॉट डिफिकल्ट. महीने का आप अगर 5-6 असाइनमेंट भी कर ले तो 25-30 हज़ार का कमाई हो गया, विच इज नॉट बैड फॉर इवन टूडेज हार्ड सर्कमस्टेंस, राइट? सो All I can say at this particular point of time is that, as a, and of course, after COVID, ke baad to sab industry pe farak pada hai. But you must understand one thing: ke shaadi karne ke liye, shaadi ka record karne ke liye, pictures to chahiye hi chahiye. Agar aaj ke rules ke hisab se ek shaadi mein sirf 50 log allowed hai, to 50 mein se do ek photographer, ek videographer to rahega hi rahega. Yeah. You understand what I'm saying? Correct, correct. So they will be there. So it's not कि वो business कम होने वाला है or something like that. Now, कितना पैसा बनाएंगे वो depends कि आप कितना depth में गए हैं और आपके अंदर हुनर कितना है, आपके पास knowledge कितना है, and how creative you are. मतलब कि आप वहाँ जाके कितना अच्छा picture ले सकते हैं. See, पहले क्या था, 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 लोग बुलाते थे शादी में. अभी गिन के 50,000. आपके पास time ही to take good pictures. Yeah. You know, so you can concentrate. With cool mind, take सबका अच्छा portrait, सबका अच्छा shot लो, you will be through. Yeah. और सर मैं ना यहाँ पे एक दो questions को ऐसे club कर रहा हूँ जो audience से आए हैं, उसमें बहुत important point है सर कि एक तो अभी हर किसी के पास जैसे mobile है ना, तो बहुत सारे लोग जिसी भी place पे घूमने के लिए जाते हैं, picnic spots है बहुत सारे. So अभी क्या हो रहा है, ऐसे incidents कुछ सालों में ऐसे बढ़ रहे हैं कि selfie लेने के लिए गया और सेल्फी लेने के लिए गया, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया उस बंदे के साथ या उस पर्सन के साथ. तो क्या है कि एक्साइटमेंट में बहुत सारे लोग फोटोग्राफी करना चाहते हैं, उनको बहुत है, ये है हुनर है उनमें कि वो करना चाहते हैं. बट अगर फोटोग्राफर, कोई भी फोटोग्राफर हो, उसको अपने सेफ्टी मेजर्स के ऊपर कैसे ध्यान देना चाहिए और उसके लिए आप उनको क्या टिप्स देंगे? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसके अपने जो दोस्त लोग साथ में होते हैं उनका सुनने का नहीं कि हम उधर जाके मारेंगे और मालूम पड़ा है बहुत डेंजरस जगह, वो एक दूसरे को डेयर करते हैं, तू डरपोक है, तू नहीं करेगा ऐसा करके, और फिर उसी से लफड़े होते हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओके. तो सेकेंडली व्हाट आई वुड सजेस्ट, नो शूट सेल्फी फोटोग्राफी एंड प्रोफेशनल और इवन जीवन कैमरा फोटोग्राफी में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, कैमरा में क्या होगा, तुमको कैमरा के पीछे से देखना ही पड़ता है. तो सेल्फी में क्या है, तुम इधर देख रहे हो हवा में, तो पता नहीं कि पीछे क्या चल रहा है तुम्हारे, एंड यू कुड बी फॉलिंग फ्रॉम द टॉप और समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर द इंसिडेंट हैव हैपेंड. तो ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं कि कैमरा से नहीं होगा, आई मीन अगर
आदमी अगर इज नॉट अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स तो कैमरा हो गए कुछ भी हो गिरने वाला है. सो द मेन थिंग इन दिस इज दैट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल. किधर भी शूट करना है तो पहली बात इतना ध्यान रखना है कि अपने आसपास अपना सराउंडिंग में 10 फीट का जो एरिया है वो एक सिक्योर एरिया होना चाहिए और आपको वो देखना चाहिए. यू मस्ट सी दैट जो एरिया में आप शूट करना चाह रहे हैं वो कितना सेफ है. बिकॉज अगर सेफ एरिया नहीं है तो फिर आपको कोई होना चाहिए जो आपको पकड़ के रखे या व्हाटएवर, अदरवाइज आप मत करो. क्योंकि ऐसा तो तुम कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोटो खींच के लेके आएंगे अगर आप खाई के नजदीक जाके शूट करेंगे. इट्स नॉट गोना बी अ वेरी एक्साइटिंग वेरी डिफरेंट, बड़ा काम नहीं होगा. और बड़ा काम इतना होगा कि आप गिरेंगे मरेंगे, दैट्स द ओनली डिफरेंस. सो इट डजंट मेक सेंस टू मी. तो आई वुड प्रेफर के सेफ्टी के हिसाब से अगर आप बोलेंगे तो फिर वेयर द राइट शूज, सी दैट द प्रॉब्लम, जगह को आप ध्यान से देख लो वहाँ पे कुछ है नहीं है, स्लिपरी है या फिर डेंजर है, तो फिर उस एरिया में जाना मर्दांगी या कुछ गट्स वाली बात नहीं है, स्टुपिडिटी है, बेवकूफी है. यस सर, थैंक यू सो मच सर. मुझे लगता है अभी क्वेश्चन एंड आंसर जो सेक्शन है वहां पर भी सभी क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी आंसर किए हैं सर. भैरव हुआ है, भैरवी का अभी तक हुआ नहीं. वेरी भैरवी किधर है, उसका क्वेश्चन क्या है? ओके, व्हाट वाज द क्वेश्चन बेटा? भैरवी का व्हाट इज योर ओपिनियन शुड बी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी इन फोटोग्राफर, बीइंग सीरियस एज अ इमेज मेकर इज द राइट वर्ड. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू बी एन इमेज मेकर. सेकंड, भैरवी का जैसे हु वाज द इंस्पिरेशन? माय इंस्पिरेशन वाज रिचर्ड एवरडॉन. सर हाउ फैमिलियर यू आर विद कैमरास एंड लेंसेज? 40 साल से खेला है, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने नहीं खेला है. What were your responsibility when you work as a photographer? Seeing to it that I will capture images which will be useful to my customers and their sale will increase. Okay, you want to be a photographer? 3 tips that will give you is learn. Yes, just yes. Learn. Okay, there are no other options available to you in that. So that is there. Okay, she says finally I got her. या एक लेंस रिलेटेड सर है कि हमें फोटोग्राफी के लिए अगर हमें अच्छा फोटोग्राफ चाहिए और आपके पास बेसिक कैमरा है सो आप कौन किस टाइप के लेंस यूज करें जिससे आपके फोटोग्राफ्स की क्वालिटी इंक्रीज होगी? टोटली डिपेंड. पहले तो आप क्या शूट करना चाहते हैं? छोटा 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 चीज मैक्रो लेंस. इफ यू आर शूटिंग पोर्ट्रेट्स एंड थिंग्स लाइक दैट उनका किट लेंस भी चल सकता है, 24-70 जैसा एक लेंस होता है, इज आल्सो नाइस. 24x70 जूम लेंस होता है, तो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. ऑफ कोर्स हम प्रोफेशनल लोग तो ब्लॉक लेंस लेते हैं, वी प्रेफर ब्लॉक लेंस, बट दे शुड स्टार्ट विद 24-70. 24-70 इज द मोस्ट स्टैंडर्ड, इजी टू यूज. 24-70 या 24-135 ये जो सीरीज का जो लेंसेज है वो ले वहाँ से शुरू करो. पहले जो हाथ में उसे शुरू कीजिए, जैसे जैसे आपका रिजल्ट अच्छा बनता है एंड वी विल ट्राई टू सी इफ हम लोग महीने में एक बार क्यूरेशन एक सेशन कर सकते सलाम बॉम्बे के साथ, तो वहाँ पे आप अपना पिक्चर शेयर कर सकते हैं शायद. और वहाँ पे अगर हम लोग दिखने के बाद देन वी कैन सजेस्ट कि भैया तेरे को ये पसंद है तो हम लोग ये कर सकते हैं. आई थिंक वी शुड हैव अ क्यू एंड आंसर सेशन once every month or once every 2 months with Salaam Bombay and us, I think. Okay, itna sara sawal agar inke dimag mein hai, to we feel that we would like to come forward. I'm looking, you know, come forward and help them, basically. There's yeah. One more question. Question here. Nee, hum log almost sir, sabhi question cover hue hai aur sabhi questions answered hue hai. Jo latest bhi aaye hai, wo hum logon ne already answer kiye hai. अभिषेक पांडे जो भी क्या जान देने के लिए करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो. फोटो में जान डालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं उल्टा बोला वापस, ये सेल्फी वाला तो नहीं. ओके, नहीं एक फोटो को अलाइव बनाने के लिए जो रियलिस्टिक मींस दैट यू नो द सब्जेक्ट इनसाइड आउट. सब्जेक्ट को इनसाइड आउट जाना चाहिए. और अगर आपने यू समझ लो कि चलो आपको कब शूट करना है तो आप रेफरेंस नहीं करो 10-15 कब,
फिर आप देखो कि 15 में से मैं ऐसे क्या करूँ कि 15 को भी उड़ा सकता हूँ. यू नो दैट इज वेन योर यू टू पुट आपकी जो होता है तीसरी आंख उसको लगाना है आपको. सो यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज विच सब्जेक्ट टू टेक फोटोग्राफर दैट इज ऑफकोर्स विल डिपेंड ऑन योर चॉइस में. आपको क्या पसंद है उसके ऊपर है. या उससे पहले पहले वाला क्वेश्चन सर एक जो है कि विच इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर करियर. बेस्ट मोमेंट ऑफ माय करियर जो आपको अभी भी ध्यान है और जिसको आप बोलते हैं कि ये शायद आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ रहेगा. लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया. वेल आई सपोज जब मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड मिला सो दैट इज व्हेन आई रियली फेल्ट दैट मैंने कुछ किया लाइफ में. यू नो वन ऑफ द थिंग दैट हैपेंड इज व्हेन आई वाज 30 इयर्स ओल्ड जब 30 साल का था और सुबह उठा और मैं नहीं चल सका. सो आई बिकम उस दिन से आज तक मैं व्हीलचेयर में हूँ. तो उसके पहले आई वॉज अ वेरी फेमस बिग नेम फोटोग्राफर एंड आफ्टर माई व्हील चेयर दिस थिंग तो देन आई स्टार्टेड टीचिंग फोटोग्राफी. तो जब शुरू किया मैंने तो अभी मैंने आई थिंक 6 दिन के वर्कशॉप के लिए 5,000 चार्ज किया था और मुझे कुछ 8 या 9 स्टूडेंट्स मिले थे. और जब वो वर्कशॉप हुआ तो जब मेरे सामने वो जो 8-9 बच्चे बैठे जो हम 8-9 लोग बैठे मेरे साथ तो उनके मुंह पे एक शिकन थी एक मेकआउट टेंशन था उनको क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया है और ये बम्बई का फोटोग्राफर कुछ सिखाने वाला है या ढाप मारेगा या उल्लू बनाएगा उनको कुछ पता नहीं है यू नो. एंड मैंने वर्कशॉप शुरू किया तो पहले दिन का वर्कशॉप जब खत्म हुआ तो शाम को मुझे लगा कि इनके दिमाग में जो यहाँ पे जो लाइन लगी थी वो थोड़ी कम हो गई यू नो. फिर दूसरे दिन जब हम लोग ने दूसरा दिन खत्म किया तो एक हल्का सा स्माइल हुआ मुस्कुराहट आई उनका मुंह पे. थर्ड डे को जरा मुस्कुराहट बढ़ी. चौथे दिन को एक दूसरे के साथ वो लोग ने टिंगल करना चालू किया एक दूसरे के साथ जोक मारने भी शुरू किया. पांचवें दिन पे जब अपने को पता चला कि बड़ा स्माइल है सब लोग एकदम मूड में हैं. और सैटरडे को उन्होंने जब सैटरडे मतलब दैट इज द 6th डे जो हमारा लास्ट डे जो होता था वर्कशॉप तो उस दिन उन लोग मेरे टिंगल करने लगे दे स्टार्टेड हगिंग मी दे वर वो जो जो तो वो जो परिवर्तन दिखा ना मैं जो टेंशन वाला फेस से लेके हंसता हुआ फेस एकदम ऑप्टिमिस्टिक बोला सर हम अभी जाके फोड़ेंगे यू नो जो जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर देखा तो मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट था बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट. बिकॉज सडनली व्हीलचेयर पे बैठ के मुझे पता चला कि ये मैं कर सकता हूँ कि अगर इतनी टेंशन वाली भरी जिंदगी में अगर एक बंदे का टेंशन से लेके मुस्कुराहट अगर मैं 6 दिन में कन्वर्ट कर सकता हूँ तो फिर ये मेरे लिए सबसे बड़ा लाइफ पाथ है मेरा. And I started that way. I think that was the most turning point that I had. Yeah. Thank you for sharing your life moment with us, sir. Yeah. Okay. I think we have answered all the questions. Thank you so much, sir, for taking out your valuable time for us. And I'm sure everyone is benefited by this session. So thank you so much for joining us today. Thank you, Nirmala. एंड आप सभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. एंड आपके कोई भी क्वेश्चन है फोटोग्राफी रिलेटेड तो आप हमें मेल कर सकते हैं. हमारे जो एग्जीबिशन वेबसाइट जहाँ पे आप विजिट कर रहे हैं उसमें आप हमें लिख सकते हैं. और आप उसके अलावा आप कोई अगर क्वेरी होती है इस सेशन रिलेटेड तो ये जो सेशन आज हम लोगों ने किया है ये सेशन रिकॉर्डेड है और ये आफ्टर दिस सेशन ये आपको हमारे सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के यूट्यूब पेज पे भी देखने को मिलेगा. और हमारे साथ बने रहिए कल नए सेशन के साथ हम लोग वापस मिलेंगे. कल का जो पहला सेशन है वो सुबह 11 बजे स्टार्ट होगा. तब तक आप हमारे एग्जीबिशन को विजिट कीजिए
और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. थैंक यू सो मच गिरीश सर वंस अगेन. एंड निर्मला सी दैट यू आर इन टच विद मैम. मैम यस मैम सो ट्राई टू विल सी हाउ वी कैन या या यस यस यस. सो थैंक्स थैंक्स अ लॉट संतोष फॉर हैविंग मी एंड थैंक्स अ लॉट फ्रॉम बॉम्बे फॉर हैविंग अस. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू दर्शन मामी गेले तपला खाऊ देते माझे इथे परमनाचा साथ देते.